जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जुलाई 2021 को इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया। इंडिया की इस नई मिसाइल का नाम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसे MPATGM के नाम से जाना जाता है और ये नाग ATGM के बाद इन नामी के जवानों के लिए डेवलप की जा रही दूसरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आज के इस गार्डियन इंडिया के वीडियो में हम आपको इन नामी की इस नई मिसाइल और इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल बताएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फिर DRDO की इस नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ATGM का यूज इन नामी पाकिस्तानी और चाइनीज टैंक्स और ग्राउंड पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करने में करती है। अभी इन नामी की तरह ही फॉरेन ATGM का यूज करती है, जिसमें रशिया की बनी हुई 9M113 कॉन्कर मिसाइल, 9M133 और 9M119 सीरीज की मिसाइल्स, फ्रांस की बनी हुई मिलान 2T मिसाइल्स और इसराइल की बनी हुई सबसे नई स्पाइक मिसाइल्स शामिल हैं। इसीलिए फ्रेंच मिलान 2T और रशियन 9M113 कॉन्कर मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए DRDO ने एक न्यू जनरेशन मिसाइल का डेवलपमेंट शुरू किया। ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे DRDO ने नाग मिसाइल की टेक्नोलॉजी को इंडिया की प्राइवेट कंपनी टॉनबो की लेटेस्ट सीकर टेक्नोलॉजी से मिक्स करके बनाया है। दुनिया के बहुत से एक्सपर्ट्स इंडिया की नई MPATGM को इसराइल की स्पाइक और US आर्मी की जैवलिन मिसाइल की बराबर कैपेबिलिटी वाली ATGM मान रहे हैं। MPATGM की लेंथ 1300 mm और इसकी विड्थ 120 mm होती है। ये मिसाइल एक लंबी सिलेंड्रिकल मिसाइल है जिसकी बॉडी में मिड सेक्शन के पास 4 fins और रियर सेक्शन में भी 4 folding control fins लगे होते हैं, जो कि इस मिसाइल के फ्लाइट पाथ को कंट्रोल करते हैं। MPATGM के लॉन्चर एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बना होता है, जो कि कोलैप्सिबल ट्राइपॉड पर लगा होता है। MPATGM के लॉन्चर में एक कमांड लॉन्च यूनिट यानी CLU भी होती है, जिसमें एनिमी टैंक्स को टारगेट करने के लिए एक लेजर डेजिग्नेटर और ऑल वेदर साइट लगी होती है। MPATGM की रेंज के बारे में DRDO ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग MPATGM की रेंज 300 मीटर से लेकर 4000 मीटर के बीच होगी। MPATGM में एक एंटी आर्मर टैंडम हीट वॉरहेड लगा होता है, जो कि मॉडर्न एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर यानी ERA पैनल्स वाले टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। MPATGM के लाइटवेट होने के चलते इसे किसी भी जगह ले जाकर फायर करने के लिए सिर्फ 2 जवानों की जरूरत होती है। अब बात करते हैं MPATGM की उन टेक्नोलॉजीज की जो इसे दुनिया की एक यूनिक मिसाइल बनाती हैं। MPATGM में इंडियन कंपनी टॉनबो इमेजिंग का बनाया हुआ एक लाइटवेट इमेजिंग इंफ्रारेड यानी IIR सीकर लगा होता है, जिसमें किसी भी क्रायोजेनिक कंप्रेसर का यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा MPATGM इंडिया की ऐसी पहली मिसाइल है जिसमें एक रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इमेज प्रोसेसिंग यूनिट लगी है, जो कि इसे अपने टारगेट टैंक के टाइप को पहचान कर उसके सबसे वीक हिस्से पर अटैक करने में मदद करती है। इस टेक्नोलॉजी और टॉप अटैक मोड के यूज से MPATGM की किल प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और ये किसी भी चाइनीज या पाकिस्तानी टैंक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगी। टॉनबो का ये IIR सीकर एक अनकूल्ड इमेजिन सिस्टम है, जिसे किसी भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज या स्पेशल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा IIR सीकर के यूज से MPATGM की कॉस्ट बाकी ATGM से 50% कम हो जाती है। इस IIR सीकर का एक फायदा ये भी है कि इसके चलते MPATGM को बिना किसी स्पेशल स्टोरेज के लगातार फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा जा सकता है, जबकि बाकी ATGM को ज्यादा दिनों तक फॉरवर्ड पोस्ट पर नहीं रख सकते हैं। अभी तक DRDO ने MPATGM के 6 टेस्ट फायर किए हैं, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए हैं और ये माना जा रहा है कि 2022 तक इन नामी MPATGM के यूजर ट्रायल स्टार्ट कर देगी, जिसके बाद MPATGM को प्रोडक्शन के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा। MPATGM को इंडिया की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की भानूर फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है। अभी इन नामी ने ऑलरेडी 2300 MPATGM मिसाइल के प्रोडक्शन का ऑर्डर DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दे रखा है। ये उम्मीद की जा रही है कि इस ऑर्डर के पूरा होने के बाद इन नामी अपनी पुरानी ATGM को रिप्लेस करने के लिए हर साल कई हजार MPATGM मिसाइल को ऑर्डर देगी। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि MPATGM का ये टेस्ट इन नामी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि इन नामी के जवान एक न्यू जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग DRDO और टॉनबो की टेक्नोलॉजी से बनी ये नई MPATGM इन नामी के जवानों को बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में।
जय हिंद।